जो भी होगा अब इसी गाड़ी से होगा। दिस इज अ डायरेक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम थाईलैंड। द रिम्स कॉस्टेड मी अराउंड तो गाइस ये रही हमारी द इनविंसिबल टोयोटा हाइलक्स। और जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि ये इकलौती है इंडिया में, तो अब मिलते हैं इस बीस्ट के प्राउड ओनर से पुलकित कौशिक। और ब्रो कैसे हो आप? एकदम ठीक। इस कार के बारे में कुछ थोड़ा अपना बताओ कि किस वजह से आपने इसको चूज किया, क्या रीजन थे आपके इस बीस्ट ऑफ अ कार को लेने के? यार माय प्लान इज टू लिव आउट ऑफ दिस व्हीकल फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो 2 साल मैं इसी में रहूंगा। मतलब प्रॉपर ओवरलैंडिंग का प्लान? प्रॉपर ओवरलैंडिंग करूंगा मैं, और जो भी होगा अब इसी गाड़ी से होगा। तो वही दिखने में लग भी रहा है। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे जो सारे के सारे आपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, जो मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं इस गाड़ी में। आई थिंक पीपल वुड रियली लाइक टू नो कि जो भी आपने ये मॉडिफिकेशंस किए हैं वो क्या क्या हैं और कैसे कैसे करवाए हैं। तो वुड यू प्लीज लाइक टू शो अस? सो नाउ पुलकित भाई, लेट्स बिगिन विद दिस स्नॉर्कल। क्या है इसके पीछे की कहानी और क्यों आपने ये मॉडिफिकेशन करवाया? दिस इज बेसिकली अ TJM डिजाइन व्हिच इज एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी। ओके। उनका डिजाइन था ये, और उनका डिजाइन फिर सेकेंडरी मार्केट के अंदर कॉपी होता है। इट्स इफेक्टिवली द सेम स्नॉर्कल बट विदाउट द सेम प्राइस टैग। बट द आइडिया is that a vehicle with 700 millimeters of depth, water कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर आप स्पीड से जाओगे तो पानी उछलता ज्यादा है, बिल्कुल विंडशील्ड तक आ जाता है। इन द मिडल ऑफ नोवेयर अगर कहीं पे इंजन में पानी चला गया, रॉड वॉड बेंट हो गई, वो फिर देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम इट। तो अभी जैसे इसका 700 mm का वाटर वेडिंग है, तो इसके साथ इफेक्टिवली तो हां यहां तक है लेकिन ऐसे तो ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क, क्योंकि केबिन में ही पानी आ जाएगा। हां, एट द पॉइंट इज दैट इट गिव्स मी मोर हेडरूम कि अगर कहीं पानी है तो मैं थोड़ी स्पीड में फिर भी जा सकता हूं। छोटी-मोटी नदियां तक भी आप आराम से, नदी में मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा जाने से पहले। बट अनदर रीजन फॉर दैट इज कि जितनी सारी मिट्टी वाली सड़क होती है ना, उस पे जितनी मिट्टी उड़ती है, अगर इंजन हवा लेगा नीचे से, फिर इंजन वो मिट्टी भी साथ में लेता है, फिर वो एयर फिल्टर क्लॉग होता है, फिर एयर फिल्टर को ऑफ करवाओ, फिर इंजन ज्यादा गर्म भी रन करेगा बिकॉज एयर आपकी क्लीन नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे द एयर इज मच मोर क्लीनर, प्लस इट्स कूलर एज वेल। अच्छा पुलकित भाई, आपने जो है ऑफ रोडिंग टेरेन्स के लिए कुछ अंडर बॉडी प्रोटेक्शन वगैरह भी करवाई होगी? सो ये थाईलैंड इम्पोर्टेड हैमर नाम की कंपनी की इधर अंडर बॉडी प्रोटेक्शन आई हैव। दिस इज द फर्स्ट प्लेट, फिर इसके बाद एक और प्लेट है। हाँ, और फिर उसके बाद एक प्लेट और जाती है पीछे की साइड। ओके। सो 50% ऑफ द कार्स पोर्शन एवरी वर्किंग कॉम्पोनेंट बिसाइड्स द रियर डिफरेंशियल has been protected by this 3 mm की plate। कीचड़ अगर जाता है तो उसके निकलने के लिए इसके अंदर vents हैं। अगर बर्फ जमती है जब वो melt होगी उसके निकलने के लिए vents हैं। लेकिन पत्थर अंदर नहीं जाएगा। और अगर किसी चीज पे गाड़ी बैठ जाती है, अगर किसी पत्थर पे भी, तो metal की plate bent हो जाएगी, component को hurt नहीं करेगा। बीच भी हो गए कहीं पे, it will not affect your components and तो मैं गाड़ी बल्कि वहाँ पे छोड़ भी सकता हूँ। I don't have to worry कि भाई वो किसी चीज में छेद कर देगी। तो अब बात कर लेते हैं सबसे जो सेकंड noticeable चीज है वो ये टायर्स, जो व्हील का सेटअप आपने बना रखा है, क्योंकि BF Goodrich is like कि बहुत rare है हमारे इंडिया में देखने के लिए। हाँ, so these are of course imported tires and इंडिया में तो gold standard है, इससे better tire available नहीं है। These are Lenso Max 11, the rims ये भी imported ही हैं। What I basically wanted was a 16-inch rim with beadlock tires, but वो instantly available थे ही नहीं। तो अब या तो मैं stock tire पर गाड़ी को run करता, फिर मैं wait करता, then I was like चलो air pressure अगर beadlock जितना भी drop नहीं करूँगा, फिर भी एक noticeable air pressure तो मैं drop इसमें भी कर पाऊँगा। Stock वाले highway terrain tires आते हैं 18 इंच के रिम पे आते हैं, वो मतलब इतने ऑफ रोड वर्दी तो नहीं है। इवन दो दे वर्क वेल, बट ये है कि मेरे को इसमें हेडरूम मिल जाता है। और अगर आप गाड़ी में कोई भी परफॉर्मेंस मोड करवाना चाहते हो, आई थिंक द टायर्स आर द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी चेंज्ड। तो इसका क्या कॉस्ट है? मतलब दिखने में तो काफी एक्सपेंसिव सेटअप लग रहा है। द रिम्स कॉस्टेड मी अराउंड 85 फॉर अ सेट ऑफ 4, एंड द टायर्स कॉस्टेड मी अराउंड, आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर अराउंड 27-28ish per tire. So I have 4 of these tires. पांचवा टायर स्टॉक ही है क्योंकि पांचवा रिम नहीं मिलता। So I'm still trying to source कि मेरे को एक और अगर मिल जाए तो मैं टायर रोटेशन ठीक से कर पाऊंगा। पीछे की पिट पे जाने से पहले जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मॉडिफिकेशंस आपकी हैं, why don't you tell us, मतलब आपने हाइलक्स ही क्यों चूज किया? आपके पास और भी ऑप्शंस थे जैसे कि Isuzu, आई थिंक Fortuner भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, then why did you choose only Hilux? The flexibility that
अ पिकअप ट्रक गिव्स यू इट इज अनमैच्ड। मैं फॉर्च्यूनर ले सकता था बट मेरे को लगेज की दिक्कत हमेशा होती है। अब मैं कितना भी लगेज रखूंगा केबिन में उसकी साउंड आएगी एंड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन जब आप 8-10 घंटे गाड़ी में चल रहे हो और वो आप अगले 2 साल कर रहे हो और वो साउंड फिर वो साउंड इरिटेट करेगी आपको, आज नहीं करेगी कल करेगी और आप परेशान हो जाओगे। इसमें एटलीस्ट ये है कि मेरी सारी नॉइज पीछे आइसोलेट हो जाती है, प्लस पीछे का जो एरिया है मैं उसे बहुत रफली यूज कर सकता हूँ। आई यूज टू हैव अ क्लॉस्टर और मैं उसको लद्दाख लेके गया था और हम 5 लोग गए थे, सामान ऊपर तक भर दिया था जैसे आप कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर में भी ऊपर अपना डिग्गी खोल के पूरा ऊपर तक भर सकते हैं। वो सामान रखने के चक्कर में जो केबिन का कर्टन होता है वो मेरे से फट गया। फिर मेरे को समझ में आया कि मैं कितना ही अग्रेसिवली यूज कर लूं इसको तो बहुत डेलिकेटली यूज करना पड़ेगा इस इंटीरियर केबिन को। तो बेसिकली इट इज टोयोटा फॉर्च्यूनर कहने को, बिकॉज चैसिस सेम है, आई थिंक इंजन सेम है, गियरबॉक्स सेम है, पावर आउटपुट भी सेम है। जो भी इसकी ड्राइव क्वालिटी, राइड क्वालिटी है, हैंडलिंग है, जो इसकी इंजन परफॉर्मेंस है, सो द राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, द वाइब्रेशंस दैट आई गेट इनसाइड द केबिन, द साउंड, द आइसोलेशन दैट आई गेट इनसाइड द केबिन आर ऑल वर्स देन ग्लॉस्टर। वो तो होना ही था। आप फीचर्स के लिए इस गाड़ी को नहीं खरीद रहे, नहीं खरीद, आप इस गाड़ी को सिर्फ रिलायबिलिटी के लिए खरीद रहे हो। सही बात। एंड द फैक्ट के ये अगर आपको घर से लेके जा रही है तो आपको घर वापस भी छोड़ेगी, चाहे कहीं ले जाओ, चाहे कहीं लेके जाओ। अच्छा पुलकित भाई, ये सारी बातें तो हो गई, अब मेरे हिसाब से हमें मूव करना चाहिए जो कि इस गाड़ी की सबसे एंटीसिपेटेड पार्ट है। लेट्स मूव टू द बैक रियर ऑफ द व्हीकल एंड आप वहां पे जितनी भी मॉडिफिकेशंस आपने की है अपनी ओवरलैंडिंग के लिए, लेट्स टेल द व्यूअर। सो दिस इज अ कस्टम रोल केज दैट आई हैड डिजाइनड विद द हेल्प ऑफ इमरा। आई हैड सर्टेन थिंग्स इन माय माइंड, जैसे जो मेरा सैंड लैडर है यहां पे, जो मेरा मैक्स ट्रैक्स है जी, दैट शुड नॉट टेक स्पेस इन द लगेज, क्योंकि कभी कभार चीज इस्तेमाल होती है कभी कभार, और अगर मैं उसे रोज ही निकाल रहा हूँ तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँ। और इम्पोर्टेंट भी है, ऐसा भी नहीं है कि छोड़ सकते हैं कहीं। जेरी कैन और शवल के साथ भी ऐसा ही है, अगर मैं पैंगोंग से आगे जा रहा हूँ तो मेरे को शायद हैंडले के रास्ते में जेरी कैन की जरूरत पड़े। अगर आपके पास ऑलरेडी 80 लीटर की डीजल की टंकी है तो बहुत नॉमिनल होगा कि आपको जरूरत पड़ रही होगी और कहीं ना कहीं आपको डीजल मिल ही जाता है। ये तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि डीजल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप दिस इज एन इंश्योरेंस ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि मैंने देखा है कि केरोसिन ऐड होता है, मतलब हाँ हाई एल्टीट्यूड एरियाज में केरोसिन ऐड होता है। तो ये जो बेड शटर आपने लगा रखा है थोड़ा सा काफी हाई टेक सा लग रहा है। सो दिस इज अ बेसिकली एन ऑटोमेटिक रोलर शटर, दिस इज अ डायरेक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम थाईलैंड, वहाँ पे हैमर नाम की कंपनी है, बहुत सारी एक्सेसरीज बनाती है। दिस इज रिमोटली कंट्रोल्ड, यहाँ पे मेरा मोस्टली सारा सामान रहता है, दिस इज 70% ऑफ व्हाट आई विल कीप। ओके, तो आपने फिटनेस किट भी रखी हुई है। हाँ, सो फिटनेस गोल्स गाइस, और इसमें लाइट्स भी हैं। हाँ, सो दिस इज फॉर नाइट टाइम ऑफ कोर्स, 5-10 मिनट के लिए इट वुड वर्क एंड देन यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी, सो इवन इफ द कार इज नॉट ऑन, इवन इफ द एक्सेसरी पोर्शन इज नॉट ऑन, दिस विल स्टिल वर्क। ये रोल केज का जो एस्थेटिक वाला डिजाइन है दैट इज बाय बिमरा, जो यूटिलिटी वाला डिजाइन है दैट इज ऑल बाय मी। आई चोज कि मेरे को कहां पे क्या चाहिए बिकॉज इवेंचुअली आई एम द पर्सन हु हैज टू यूज इट। सो बेसिकली द जेरी कैन, शवल, सैंड लैडर, ये तो बहुत कॉमन डिजाइन है। दिस हाउएवर इज समथिंग दैट यू वुड नॉट सी ऑन सम अदर व्हीकल्स, द टेप, आई हैव इनकॉर्पोरेटेड 2 big tables इन द रोल केज। या सो कुकिंग इज नॉट माय मेन आइडिया, बट व्हेन यू आर ओवरलैंडिंग सामान इतना हो जाता है कि आपको एक कन्वीनियंट जगह चाहिए होती है पूरा टाइम रखने के लिए, और अगर वहां से आपने कुछ भी सामान उठाया अगर आप उसे कन्वीनियंटली इसके ऊपर रख सके तो इट विल जस्ट मेक योर लाइफ इजियर, प्लस दिस स्पेस अदरवाइज गोज टू वेस्ट। किसी भी रोल केज के अंदर ये पोर्शन काम नहीं आता है, एंड इफ आई एम विद समथिंग फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स एटलीस्ट आई वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। कम्फर्ट तो होना चाहिए, मतलब आप 2 साल के लिए आप इसको बेसिकली अपना घर ही बना रहे हैं। आप इसमें एक चीज बता रहे थे कि आपका सनरूफ के ऊपर सोलर पैनल्स का भी कुछ प्लान है। सो बेसिकली दिस इज 3-4 person hard shell tent. Okay. It opens up on this side. फिर एक ladder नीचे आ जाती है और 3 लोग और 4 अच्छे दोस्त अंदर आराम से रात निकाल सकते हैं। अंदर एक mattress है, 3 total balconies type open हो जाती हैं, air का circulation रहता है। उसके ऊपर what I'm planning के एक 200 watt का solar panel लग जाएगा। Mosquitoes कुछ colored lights पर थोड़े से कम आते हैं। So this is a 30 watt colored light RGB. It has around 30 colors. आपका I think एक Instagram handle भी है, तो I think वहाँ पे हमारे जो viewers होंगे वो आपसे connect होना चाहें या फिर आपको follow करना चाहें तो वो कर सकते हैं। Needless Nomad के नाम से I have an Instagram page and हाँ अब तो आपको सिर्फ Hilux ही दिखेगी उस पे। तो अब सबसे important question जो मेरा है,
जो आई थिंक हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे, Isuzu मार्केट में काफी टाइम से है पिकअप ट्रक के साथ, अपने IDMAX के साथ, व्हाई दिस, व्हाई नॉट दैट? सो एक बेसिक डिसएडवांटेज जो लोग कोट कर देते हैं कि हाँ व्हाई हाइलक्स इज बेटर, बेसिकली दे से Isuzu इज एन आउटडेटेड मॉडल ऑफ द ट्रक, एंड दैट्स फेयर एंड ऑल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट दैट वाज नॉट माय रीजन, बिकॉज़ मैं इसमें फीचर तो सारे कॉम्प्रोमाइज कर ही रहा हूँ। अगर मैं ग्लॉस्टर से डाउनग्रेड एक तरह से एटलीस्ट फीचर्स के मामले में इसमें आ गया, हाँ, तो मैं थोड़ा और डाउनग्रेड होके उसका मे बी एंटरटेनमेंट सिस्टम चेंज करके एंड्रॉइड ऑटो वाला लगवा के वुड हैव गॉटन द सेम फंक्शनैलिटी, कोई ज्यादा फर्क होता नहीं। आउटडेटेड वाला ज्यादा ही है प्राइस, आई थिंक 8-9 लाख रुपए का फर्क है टोटल, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट। पर इसमें कुछ चीजें हैं जो Isuzu में है ही नहीं, जिनके बारे में लोग नहीं बात करते हैं। तो रियर डिफ लॉक नहीं है Isuzu में, Isuzu में नहीं है, इसमें है। हाँ, तो अब वो आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर ऑलरेडी फैक्ट्री है। अनदर थिंग, जैसे हम एक 100 हॉर्स पावर की गाड़ी को 160 हॉर्स पावर वाली गाड़ी से कभी कंपेयर नहीं करते, बिल्कुल हम कहते हैं ये तो अलग ही सेगमेंट है, बिल्कुल सेगमेंट। सो हेंस आई ऑल्सो फील इट्स रैदर अनफेयर कि आप इसको और Isuzu को भी कंपेयर करो, क्योंकि ये आपको इफेक्टिवली बहुत ज्यादा पावर दे रही है। आई थिंक 2 horsepower and 500 newton meters of torque. हाँ, somewhere around there, yes, roughly. तो आपका ये तो I think automatic ही है. So to call it extremely overpriced, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. But हाँ, थोड़ा overpriced गाड़ी तो है. तो अगर Ford इस दौरान मौजूद होती, अगर मेरे को Ranger का ऑप्शन मिल रहा होता, I would have definitely gone for a Ranger. ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है. Fortuner या Endeavor? Endeavor, I would have chosen Endeavor. एक चीज और जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि नॉर्मली जो बेड यहाँ टोयोटा आपको देती है वो आई थिंक पूरा स्टील बेड ही होता है बॉडी कलर का, ये आपका थोड़ा ब्लैक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दीजिए। सो बेसिकली इफ यू यूज द स्टॉक बेड टू हॉल थिंग्स, yes, तो उसपे कहीं ना कहीं स्क्रैच लग जाएगा, और अगर नहीं भी लगेगा तो आप कोशिश करोगे कि स्क्रैच नहीं लगे। ठीक है, तो आपने इसमें मतलब मेरे को, इसके अंदर स्ट्रेस फ्री रहना था कि हाँ, मैं इसमें कुछ भी फेंकूं और जब मन करे खींच के निकाल लूं, एंड इट शुड नॉट अफेक्ट द पेंट। सो दिस इज अ लाइनेक्स की कोटिंग है ये, प्रिटी कॉमन, राइनो नाम से भी एक अलग आती है, राइनो भी आती है। हाँ, सो लाइनेक्स इंडिया के अंदर अवेलेबल है, एंड आई गॉट दैट कोटिंग डन। नाउ दिस इज एज गुड एज अनब्रेकेबल, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। मैं इस पे चाकू मारूंगा, मैं इस पे कुछ बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज लाइक अनस्क्रैचेबल। हाँ, चाहे मैं इसके ऊपर बाइक चढ़ाऊं, चाहे मैं इसके ऊपर लोहे का कितना ही सामान फेंक दूं, आई डोंट हैव टू वरी कि इसको कुछ होगा। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस और नॉट, बट टोयोटा हाइलक्स को इनविंसिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल बोलते हैं। आई थिंक आपने भी वो देखा होगा टॉप गियर की जो क्लिप है, द किलिंग अ टोयोटा, दैट एपिसोड यू गाइस शुड वॉच। मतलब उस चीज ने आपके परचेज को कुछ इफेक्ट किया था कि भाई? हाँ, डेफिनेटली, अगर एक टॉप गियर जैसा शो एक गाड़ी को तबाह करने की कोशिश कर रहा है और नाकामयाब हो रहा है, देन आई वुड लाइक टू बिलीव दैट इट डज लेंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इनटू द कस्टमर हु इज वांटिंग टू बाय इट। श्योर, एंड इफ यू रियली वांट टू नो मोर अबाउट दैट हिंदी में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर भी एक स्टोरी बना दूंगा। तो पुलकित भाई, ये सारी तो हो गई हमारी अच्छी बात, अब इसमें कुछ कमियां तो होंगी, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट। बहुत कमियां हैं गाड़ी में, बहुत कमियां हैं, प्लीज शेयर। तो आई थिंक इंटीरियर्स ही हैं जो सबसे ज्यादा गाड़ी के परेशान करते हैं। तो गाड़ी पूरी की पूरी हार्ड प्लास्टिक है अंदर से, मतलब इतने प्रीमियम पे इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ, द सॉर्ट ऑफ मनी दैट अ कस्टमर इज पेइंग, उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि पिकअप ट्रक्स आर सपोज टू बी रफली यूज्ड यूटिलिटेरियन, तो फिर डैशबोर्ड का एक जो 50% नीचे वाला पोर्शन होता है वो हार्ड प्लास्टिक, मेक सेंस के आपने उसके अंदर पानी की बोतल रख दी, उसमें आपने कुछ लोहे का सामान रख दिया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पानी अंदर घुस गया, तो उसकी सेफ्टी के लिए, तो फिर एटलीस्ट 50% ऑफ के हार्ड प्लास्टिक हो सकता है, पर उसके ऊपर वाला एटलीस्ट सॉफ्ट प्लास्टिक होना चाहिए, ताकि मटेरियल को थोड़ी सी क्वालिटी लैंड। अब क्या होता है कि जब मैं इसकी ग्लव बॉक्स के अंदर अगर मैंने कोई भी हार्ड चीज रख दी, अगर मैंने कोई भी मेटल की चीज रख दी, तो वो बचती है, एंड टू द एक्सटेंट वो इतनी बचती है कि अब मैं गाड़ी का जो आगे वाला पोर्शन है वो मैं खाली रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं कप होल्डर्स के अंदर कुछ भी रख दूंगा, मेरे मोबाइल के अलावा, यहाँ तक कि गाड़ी की चाबी भी मैं अगर रखता हूँ, तो उसकी भी आवाज आती है। मतलब वो रबर लाइनिंग या ऐसा रबर लाइनिंग कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, एंड रबर लाइनिंग हैज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन विद केबिन के अंदर पानी आ सकता है, बल्कि वो तो एक्स्ट्रा एक वो ही है कि साफ वगैरह करने में भी आसान हो जाता है, बस ये कॉस्ट कटिंग है, और इस कॉस्ट कटिंग की वजह से एंड कस्टमर को परेशानी हो रही है। लाइफस्टाइल व्हीकल के नाम पे तो आई थिंक थोड़ा मार्केटिंग गिमिक ज्यादा है ये, बिकॉज इफ यू आर selling a lifestyle vehicle at this price point and you are not giving ventilated seats, it's Fortuner mein hai,
बिल्कुल है। फॉर्च्यूनर में वेंटिलेटेड सीट्स हैं। फॉर्च्यूनर के अंदर तो पैडल शिफ्टर्स भी हैं। पैडल शिफ्टर्स भी हैं। अब एक ऑफ रोड व्हीकल को ही पैडल शिफ्टर की ज्यादा जरूरत है। जरूरत है, बिल्कुल है। एक आप स्टीयरिंग से हाथ नहीं हटाना पड़ रहा है, दैट्स अनदर लेवल ऑफ कन्वीनियंस। बिकॉज व्हेन यू आर प्रॉपरली ऑफ रोडिंग ना, आपकी गाड़ी इतनी हिल रही होती है कि टोयोटा ने एक अलग ग्रैब हैंडल ड्राइवर के लिए दिया है। अब मैं एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रहा हूँ। अब अगर मेरे को गियर शिफ्ट पे ये करना है कि गियर के गाड़ी सेकंड गियर के ऊपर नहीं जाए, तो अब मेरे को कहीं ना कहीं से तो हाथ छोड़ना पड़ेगा, विच मेक्स नो सेंस। अगर मैं वहीं से पैडल शिफ्टर से कर सकता हूँ तो एक कन्वीनियंस तो प्रोवाइड होती है, सेफ्टी है। 15 लाख की गाड़ियों के अंदर आ रहा है पैडल शिफ्टर होंडा सिटी। एक चीज वो है कि जैसे इसका जो बॉनेट है, आई थिंक उसमें स्ट्रट्स प्रोवाइड नहीं करती है। ऑनेस्टली व्हेन आई फर्स्ट हर्ड इट आई वाज लाइक जरूरत क्या है, बोनट आदमी कितनी बार खोलता है। टोयोटा भी यही रीजन देता है। हाँ, लेकिन आप मत खोलो, आपको क्या जरूरत है, हमारी रिलायबिलिटी। पर मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिससे आई रियलाइज्ड कि चाहे मेरे को अपग्रेड करवाना पड़े पर अब मैं करवाऊंगा। एंड द रीजन वाज कि मैं अपने टायर्स इन्फ्लेट कर रहा था, एंड बिकॉज दीज आर ऑफ रोड टायर्स तो इसके लिए डबल पिस्टन वाले टायर इन्फ्लेटर्स होते हैं। हाँ। वो डायरेक्टली लगते हैं बैटरी टर्मिनल पे। हाँ। तो आपको बोनट तो खोलना पड़ेगा ही, बिल्कुल खोलना। अगर आप एड ब्लू डाल रहे हो तो भी आपको बोनट खोलना पड़ेगा। हाँ। तो बोनट खोलना तो इस गाड़ी में एक तरह से जरूरी हो गया है एट सर्टेन इंटरवल्स, मतलब खास करके इस तरह के पिकअप लाइफस्टाइल व्हीकल पे, जो कि अगर आप एड ब्लू भी डीजल के होल के थ्रू होल के पास से दे रहे होते हैं ना, आई वुड एक्चुअली अंडरस्टूड कि आपको एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है इंजन पे। विंडशील्ड वॉशर के लिए भी आपको खोलना पड़ेगा, खोलना ही पड़ेगा। तो जरूरत तो आपको पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। अब मेरे साथ क्या हुआ, हवा चल रही थी बहुत ज्यादा और मैंने उसे खोल के रखा हुआ था और मैंने उसकी रॉड अटकाई हुई थी। हवा चली, वो रॉड हिल गई, मेरा हाथ रखा हुआ था बोनेट के नीचे, लेकिन सरप्राइजिंगली हाथ ऐसे था, तो वो जैसे ही नीचे आ रहा था आई वॉज एबल टू जस्ट पुश इट बैक अप बिफोर इट हैड क्रश्ड माई हैंड। बहुत दिक्कत बिकॉज अगर एक इंसिडेंट हो गया उसके बाद तो उनको देना पड़ेगा। अभी आपने अपग्रेड करवा लिया है कि अभी करवा? नहीं, अभी मैं करवाऊंगा। अभी गाड़ी के पार्ट्स अवेलेबल है नहीं। अभी मेरे पास जो पार्ट्स लगे हुए हैं, अब जैसे ये जो रोलर शटर है दिस, ये इतना ज्यादा डिमांड में है कि मैंने जितने का इसको खरीदा है मैं उससे प्रीमियम पे इसको आज बेच सकता हूँ इस्तेमाल करके, क्योंकि अभी थाईलैंड से पार्ट्स इंपोर्ट हो नहीं पा रहे हैं और मैन्युफैक्चरर्स को भी नहीं पता है कि ये गाड़ी कितनी मार्केट के अंदर पिकअप करेगी। तो आपको कितना टाइम हो गया, ये 2 महीने? मेरे को 2 महीने हो गए इस गाड़ी को। अच्छा पुलकित भाई, एक लास्ट चीज जो पॉइंट ऑफ कंसर्न मेरा है कि इसकी रियर जो सीट है, क्रू कैब है क्योंकि ये, तो उसका क्या है आपका एक्सपीरियंस, किस तरह की सीट है? मतलब लेग स्पेस तो मुझे इतना ज्यादा दिखा नहीं, वो मे बी आप बता रहे हो कि सीट पीछे है इस वजह से। सो लेग स्पेस इज नॉट एन इशू, हेडरूम इज नॉट एन इशू, द सीट कंफर्ट इज नॉट एक्सलेंट पर से, बट आप फिर भी कंफर्टेबली तो बैठ सकते हो। लेकिन कितनी देर बैठोगे एक अपराइट पोजिशन के अंदर? पोजिशन है काफी ज्यादा। हाँ, अगर थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो अगर 1-2 इंच ऊपर नीचे हो रहा हो, एटलीस्ट इट गिव्स यू अ न्यू एंगल। हाँ। और फिर आप 2 घंटे उस एंगल के अंदर निकाल लेते हो, फिर आप थोड़ा पीछे कर लेते हो तो आप मैनेज कर लेते हो किसी तरह। तो 8-10 घंटे की जर्नी थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट की वजह से निकल जाती है। इवन द किड्स वुड बी अनकंफर्टेबल, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब उनको भी अपराइट बैठना। हाँ, और प्लस अगर बच्चे भी हैं और 5 लोग बैठ रहे हैं अब इफेक्टिवली, तो बीच वाली सीट ना के बराबर है। वो बीच वाली सीट की पैडिंग बहुत खराब है, उसके अंदर तो क्लियरली इंप्रूवमेंट हो सकती थी। बाकी जगह तो मैं फिर भी कह सकता हूँ चलो रफ एंड टफ के लिए कुछ सोच के दिया होगा, बट वहाँ पे तो एब्सोल्यूट प्योर कॉस्ट कटिंग हुई है। कॉन्स मतलब है इसमें काफी सारे। हाँ, डील ब्रेकर वाले नहीं है, पर सो इट बेसिकली कस्टमर ने पहले क्या एक्सपीरियंस कर रखा है। अगर कस्टमर ने पहले वेंटिलेटेड सीट एक्सपीरियंस कर रखी है तो ये गाड़ी पे एडजस्ट करने के लिए उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि जो एक बार वेंटिलेटेड सीट पे बैठ गया है ना, वो नहीं डाउनग्रेड, वो डाउनग्रेड नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो गियरबॉक्स है, जो गियरबॉक्स का लीवर है, मेरे पास एल्टोस भी है, मेरे पास ग्लॉस्टर भी थी, एक उंगली से गियर चेंजेस होते थे। आप उसको पार्क में लगाओ, उसको डी में लगाओ, आर में लगाओ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू, आपको इसमें कट 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 पूरी मैनली फीलिंग है। हाँ, इसके अंदर मैनली फीलिंग है। वो मैनली फीलिंग अच्छी लगती है 4 दिन। 5वें दिन आपको किसी को शो ऑफ नहीं करना है कि आप जोर से गियर लगा रहे हो, तो कुछ वो परेशानियां बस फिल्मों में अच्छा लगता है, फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप चीजों में, यहाँ रियल लाइफ में इट इज एन इनकन्वीनियंस। आई थिंक 12 लाख की गाड़ियों के अंदर आजकल 360 डिग्री कैमरा आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पडल लैंप्स आ रहे हैं। हाँ, तो ऐसी चीजें हैं जो आई थिंक इसमें कॉर्निंग लैंप भी नहीं है। कॉर्निंग लैंप नहीं है इसके अंदर। और मेरे को ग्लॉस्टर से आदत है, एक बार जिसको आदत हो गई है फिर उसको पहाड़ पे एब्सेंस फील हो जाती है। हाँ। कि यार मेरे को सडनली मालूम ही नहीं पड़ा कि अगले टर्न पे क्या है। हमारी ये वीडियो देख के शायद टोयोटा वाले अपने नेक्स्ट इटरेशन में चीजें इंप्रूव करें और इंडियन कस्टमर्स को भी थोड़ी वैल्यू दें। 3 चीजें मेरे को बिमरा ने करवा के दी है। एक मेरे को जो पीछे का बेड लाइनर है लाइनेक्स, वो मैंने उनसे करवाया है। शटर ऑटोमेटिक वाला उन्होंने
उन्होंने इम्पोर्ट करवाया, हैमर का ये जो नीचे का अंडरबॉडी उन्होंने प्रोटेक्ट करवाया, और जो फैब्रिकेट करवाया रोल केज. आई डिडंट वांट टू गो टू समबडी हु वाज न्यू टू दिस. आई वांटेड समबडी के मैं अपना डिजाइन ले जाऊं, मैं अपनी रिक्वायरमेंट बता दूं और फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम हो जाए. तो उन्होंने उतना मेरे लिए कर दिया. तो उनके साथ आपकी मतलब पर्सनल बातचीत है, कोई फ्रेंड वाला रिलेशन? नहीं नहीं नहीं, इट वाज आपने बस रिसर्च करा. मैंने अपने पार्ट्स, अपनी जितनी सारी मेरी डिमांड थी वो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं गया था कि मैं उनके पास पहुंच गया भाई मेरी गाड़ी तैयार कर दो. तो इन केस हमारे व्यूअर्स में से कोई अगर ऑफ रोडिंग एंथुजियास्ट होगा, definitely they would like to connect with you. तो आप उनको भी support और help कर ही देना अपनी तरफ से. हाँ definitely. Any kind of help जो आपको चाहिए होगी, Pulkit भाई is all there for you. Absolutely. And I think that's enough for this video. So thanks Pulkit भाई. Thank you very much. And आप Pulkit भाई को follow करना मत भूलना Instagram पे. Rolling Pistons को भी Instagram पे follow करना मत भूलना. बहुत सारा content आजकल हम वहाँ पे upload कर रहे हैं, बहुत serious हो गए हैं उसको लेके. So link दोनों के description में मिल जाएंगे. I'll see you guys next time.